रश्मि, छोड़ दो तेरा हाथ, वो ये करो जो तूने मेरे साथ किया था। रश्मि, हाथ पकड़ के बचा ले मुझे, प्लीज रश्मि। तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ याद नहीं होगा? मुझे सब याद है रश्मि, सब कुछ। और अभी तुम मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि नहीं करती हूं मैं तुझ पे विश्वास, जरा भी विश्वास नहीं करती हूँ रश्मि। बताए क्यों? क्योंकि तू उस लायक ही नहीं है। उस दिन क्या हुआ था, हर एक लम्हा हर एक पल याद है मुझे। अरे कैसे गिड़गिड़ा रही थी मैं तुझसे, कितनी मिन्नतें मांग रही थी, हाथ देख के आगे बढ़ा रही थी, मदद मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी तूने, लेकिन तूने मेरी मदद नहीं की। उसके बजाय तूने खुद अपनी बहन को खाई में धकेल दिया, मरने दिया उसे। तू कातिल है रश्मि, तूने तूने अपनी बहन का मर्डर किया है, हमारे रिश्ते का मर्डर किया, मर्डर है तू रश्मि, मर्डर है। और बस बस रश्मि, अब तेरे जितने भी गुनाह है ना, उनकी सजा मैं दूंगी तुझे, मैं। दीदी दीदी आप गलत समझ रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं, हम कर ही नहीं सकते ऐसा दीदी। आप हमारी बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ समान होती है दीदी, हमने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी है दीदी। इनफैक्ट हमें तो याद भी नहीं कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था, हमें कोई होश नहीं था। कितना झूठ बोलोगी रश्मि, कितना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसा करेगी, क्यों किया तूने? हाँ, मुझे वहां मरने के लिए छोड़ा ही तू, वो तो कृष्णा जी का आशीर्वाद था मुझ पे कि मैं बच गई। तूने कभी सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीती? तेरी वजह से पूरा एक साल मैं एक गैर मर्द के साथ उसके घर में रह रही थी, उसकी बीवी बन के रश्मि, अपने घर वालों से दूर, अपने परिवार से, अपने खाना से, और यहाँ तक कि मेरे खुद के बच्चे से दूर रही हूँ मैं। ये कैसे कर सकती है तू? सॉरी दीदी, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। पता नहीं मैं क्या हो गया था उस दिन, जो हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे, प्लीज। पर अगर आप चैन से नहीं जीना दीदी, तो हम भी एक पल भी चैन से नहीं रह पाए थे उस दिन के बाद। आपको पता नहीं है कि हम पर क्या बीती थी दीदी, एक एक पल वो सोते जागते हमें सिर्फ आपका चेहरा नजर आता था हमारी आंखों के सामने, सिर्फ आपका चेहरा। मन से ना ऐसे हो रहा था कि चीख चीख कर आपसे माफी मांगे, आपसे कहे कि दीदी प्लीज प्लीज वापस लौट आओ। दीदी आपको पता है, हम दुनिया में कुछ भी करने को तैयार थे हमारी इस एक गलती को सुधारने के लिए, आप यकीन कीजिए हमारा दीदी। फर्क नहीं पड़ता तूने उस दिन के बाद क्या सोचा, क्या चाहा, क्योंकि उस दिन तूने मेरी जिंदगी के साथ साथ तेरे पर जो विश्वास था ना, वो भी छीन लिया मुझसे। मेरी सोच बदल गई तुझे लेकर रश्मि। क्यों किया था मेरे साथ ऐसा? क्या गलती की थी मैंने? कैसा किया था तेरी बहन ने जो इतनी सारी नफरत हो गई तुझे? उस नफरत में बह के तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना बड़ा अपराध कैसे कर लिया रश्मि? क्या किया था मैंने, क्या बिगाड़ा था बताना? दीदी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं कि हमारी भूल माफी के लायक नहीं, और आपको माफी गलती की होती, गुनाह की नहीं रश्मि। किस माफी की बात कर रहे हो आप भाभी?
सारी तैयारी हो गई। थैंक गॉड नकुल और रश्मि ने मदद की, इसीलिए टाइम से काम हो गया। सयूरी देखेगी तो बहुत खुश होगी। ये सब क्या है काना? माँ एक्चुअली हमने सयूरी के लिए एक सरप्राइज प्लान की। पिछले एक साल में ना उसने कोई दिन सेलिब्रेट नहीं किया है, ना ही कोई फेस्टिवल, तो इसलिए हमने सोचा है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। काना अब क्या हुआ माँ, कुछ सोच रही हैं आप? नकुल, हम दोनों की बातें सुन रहा था छुप छुप के, बदमाश। नहीं भाभी, हम तो आपको बुलाने आ रहे थे। क्या है ना, भाई ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया। इनफैक्ट रश्मि को भी हमने सरप्राइज के लिए बुलाने भेजा था, बट पता नहीं क्या डिस्कशन करने लगी आपके साथ। उसकी गलती नहीं है, मैं ही रेडी हो रही थी। तू जा, मैं आती हूँ। हम जाके क्या करेंगे, सरप्राइज तो आपके लिए है ना, हम तो बस मैसेज देने आए थे। मैं आ रही हूँ, ठीक है? यही सोच रही हो कि ना तू, कि मैंने नकुल को या बाकी घर वालों को तेरे बारे में क्यों नहीं बताया? बताऊंगी, सबको बताऊंगी, चीख चीख के बताऊंगी कि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन सही वक्त आने पर, कि शायद तुझे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, परवाह मुझे अपने परिवार की। एक साल बाद उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, ये छोटी सी खुशियों की उम्मीद जागी है, उसे छीन लेना नहीं चाहती हूँ तेरी हरकतों के बारे में बता के। तो सोच भी नहीं सकती कि माँ और दादी पे क्या क्या असर पड़ेगा इस बात का, कैसे झेल पाएगी ये जानने के बाद कि एक बेटी ने दूसरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। नहीं दीदी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। बस रश्मि, तू इस लायक है ही नहीं कि मैं तेरी एक भी बात सुनूं। बस आज से इस घर में तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, वो भी उल्टे। प्लीज दीदी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देख कान, हम जानते हैं ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है तुम्हें, लेकिन काना सयूरी उस आदमी के साथ एक साल तक एक ही घर में एक ही छत के नीचे रही। वो उसे शादी करना चाहता था, उसने उससे शादी की, उसकी बीवी बन के रही, और तुमने ही कहा था ना वो इंसान घटिया है, अच्छा नहीं है वो। हम जानते हैं सयूरी ने अपने मन से, लेकिन अपने आप को एक साल तक कैसे बचाया होगा उसने? तुम्हें क्या लगता है उस इंसान ने सयूरी को बख्शा होगा? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सयूरी हमारी बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। सयूरी किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, लेकिन उसके साथ साथ चौधरी परिवार की बहू है, इस घर की गरिमा है, इज्जत है। काना समझने की कोशिश कर, काना अपने दिल पे हाथ रख के हमें कह, क्या एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में सवाल नहीं आया? क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? नहीं जानना चाहते माँ, कुछ नहीं जानना है, हम बस एक ही चीज चाहते थे, सयूरी वापस अपने घर आ जाए। सयूरी वापस घर आ गई है, तुम्हारी मिट्टू वापस घर आ गई है, बस। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई सफाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं जानना हमें। आप भी इस बात को भूल जाइए माँ,
काना तू बहुत अच्छा इंसान है, हमें गर्व है तुम पर बेटा। हम जानते हैं तुम सयूरी से सच्चा प्यार करते, उसके प्यार में अंधे हो गए हो, लेकिन बेटा कुछ सच ऐसे होते हैं जो सच्चा प्यार करने वाले लोग भी नहीं सह पाते। कान्हा रिश्ता कोई भी हो, वो पारदर्शी होना जरूरी है। भावनाएं अपनी तरफ और सच्चाई अपनी तरफ होती है। देख कान्हा, आज हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन समझ में आएगी, और उस दिन अगर तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब नहीं हुआ नहीं चाहिए माँ, जो सवाल कभी उठने ही नहीं वाले उनका जवाब हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। पिछले एक साल में सयूरी ने बहुत कुछ सहा है, हम पिछला एक साल याद नहीं करना चाहते, ना ही सयूरी को याद दिलाना चाहते, ना ही उस घटिया इंसान को याद करना चाहते। इसलिए प्लीज माँ, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है कान्हा, फर्क पड़ता है हमें, अपने लिए ना सही, हमारे लिए। एक बार उसे पूछो तो सही कि सच्चाई क्या है। माँ हम नकुल, क्या क्या हुआ? भाभी किस गुनाह के बारे में बात कर रही थी? गुनाह? हाँ, वो दीदी हमें विक्रांत के बारे में बता रही थी नकुल, कि विक्रांत कितना घटिया इंसान था। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो भूल गया था नकुल कि हर गुनहगार को अपने किए की सजा मिलती ही है, और देखो आज उसे भी मिल गई। अगर भाभी विक्रांत की बात कर रही थी तो तुम उनसे माफी क्यों मांग रही थी? माफी? वो हम उनसे सॉरी कह रहे थे नकुल, हमने उनसे सॉरी कहा कि उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा, हम उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाए, हमने उन्हें मरा हुआ मान लिया। सोचो नकुल, इस एक साल में दीदी ने कितना कुछ सहा होगा ना, कितना कुछ सहा होगा, और हम उनकी सगी बहन होकर भी कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि यश चीचू, उन्होंने कान्हा भैया की मदद की, इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, तुम इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, और हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पर रश्मि, तुम जाकर भी क्या कर पाती, तुम्हें तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था ना। और देखो ना, जाने अनजाने में भगवान ने तुमसे बहन होने का फर्ज निभा लिया। भाभी की बेटी तुम्हारी वजह से तो इस घर में आई और वापस उनसे भी मिली। हाँ नकुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पता है हमें लगता है कि दीदी को नॉर्मल होने में, विक्रांत के डर से, इस सदमे से बाहर आने में बहुत बहुत वक्त लगेगा। हमने देखा उन्हें, किस तरह वो कांप रही थी जब हमने उनका हाथ पकड़ा। पता है अभी क्या हुआ? हम जब दीदी को संभालते हुए नीचे ला रहे थे सीढ़ियों से, तो अचानक से उन्होंने हमारा हाथ झटक दिया और पता नहीं क्या क्या कहने लगे हमसे। उन्हें लगा कि हम उन्हें नीचे धक्का देना चाहते हैं। क्या? हाँ नकुल, हमने दीदी को कितना समझाया, उन्हें शांत करने की कोशिश की, सॉरी कहा, कसम दी, तब जाकर वो नॉर्मल हुई। और फिर खुद ही कहने लगे कि विक्रांत के साथ रहते रहते उनके मन में मौत का डर बैठ चुका है, और अब वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, अपने क्लोज से क्लोज रिलेशन पर भी नहीं। मतलब तुम पे भी नहीं, तुम तो उनकी सगी बहन हो ना, तुम थोड़ी उन्हें सीढ़ियों से धक्का मारोगी। हाँ वही तो नकुल, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें और हमें लगता है। दीदी को तो अब हर किसी से खतरा महसूस होने लगा है,
हमें लगता है नकुल, विक्रांत की हरकतों की वजह से ना दीदी के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। मुझे लगता है हमें दीदी को थोड़ा टाइम देना चाहिए सबसे बाहर आने के लिए। लेकिन तुम देखना देखना नकुल, हमारे प्यार और हमारे सपोर्ट से दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। सॉरी सयोदी, खुद को बचाने के लिए हमें बार बार आपकी बलि देते रहना होगा। सॉरी, आप शायद कोई जरूरी बात कर रहे थे, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। नहीं सयोरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सयूरी, तू ठीक है ना? ठीक फील कर रही है? वो गले में जो चोट लगी थी उसमें दर्द तो नहीं हो रही ना? अच्छा है। यू नो, मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। इतने टाइम से तू कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई है, ना बर्थडे ना कोई और फेस्टिवल, तो इसीलिए हमने सोचा है जितना कुछ भी तूने मिस किया है ना उस पूरे की भरपाई करेंगे हम, और हम शुरुआत करें तेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन से। आना, आ जा। तुझे देख के कुछ याद आया? याद है जब लास्ट टाइम हम तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और वो सेलिब्रेशन अधूरे में ही रुक गई थी? लेकिन आज वैसा बिल्कुल नहीं होगा। आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है खाना? क्या बात है? कुछ भी बात नहीं है। तू इसके लिए पूछ रही है क्या? कहा ना हमने तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात तू वापस घर आई है उस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सिर्फ तू ही नहीं आई है, साथ में मिट्टू और कुकू भी। तो सेलिब्रेशन तो बनती है ना। एक साल तुझसे दूर रही हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना, समझ नहीं भूल गई हूं। समझती हूं तुझे, परेशान है ना? क्या हुआ? किसी बात की चिंता है, परेशानी है, सवाल है मन में, बोलना मुझे। नहीं सयूरी, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है। क्यों? देख कान्हा, तेरे मन में कुछ तो बात है, मैं जानती हूँ। मुझे पता है मैं तुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रही हूँ बार बार पूछ के, पर मेरी मन की शांति के लिए प्लीज तुझे मेरी कसम। सयूरी, हमने कहा ना, पता नहीं किस तरह से तुझे समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब तेरी कसम का मान कैसे रखें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पूछ के कि मैं पूरा एक साल उस विक्रांत के साथ थी, एक घर में ही रहते थे, तो हमारा रिश्ता क्या था, कितना था, ये पूछना चाहता है तो। ये हमारा सवाल नहीं है सयूरी। माँ का तो सवाल है ना, वो जानना चाहती है। और मेरे पास सवाल का जवाब है काना। देख, दुनिया मुझ पे भले ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मुझे पूरा भरोसा करता है। सयूरी सिर्फ काना की है, मेरे मन तन पे सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है, किसी का नहीं। मरते मर जाऊंगी काना। सयूरी बस बस कर, I'm really sorry, तुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जो भी हो गया सो हो गया, अब हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। सयूरी, वादा कर हमसे कि आज के बाद हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। मैं वादा करती हूँ काना, कभी मुड़कर नहीं देखेंगे।